तो प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने पहुंचे अहिल्यापुर मंडल में भाजपा के प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा ने मन की बात सुनने के बाद अपने अहिल्यापुर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक निजी विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 23 जून से 6 जुलाई तक पखवाड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित है। इसी के तहत पर्यावरण को देखते हुए भाजपा द्वारा कार्यक्रम आयोजित है, जिससे एक वृक्ष माँ के नाम पौधारोपण किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी मन की बात करते हैं, और वह विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम, देश के नाम एक संदेश देने का काम करते हैं। और जैसा कि आज हम सबों ने देखा कि दो विषयों पर उनका फोकस था कि अपने झारखंड के जो शहीद हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी, वैसे दोनों वीर सिद्धू कानू की चर्चा, और दूसरी एक महत्वपूर्ण चर्चा जो पर्यावरण को लेकर के है। जैसा कि मैंने कि 23 तारीख से 6 तारीख तक एक पखवाड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है कि एक पेड़ एक वृक्ष माँ के नाम, जिसके लिए पर्यावरण के लिए जो संदेश दिया गया है। और इसके बाद हम सभी अहिल्यापुर मंडल में हमारे मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी जी, वरिष्ठ नेता अरुण हाजरा जी, हमारे मंडल के महामंत्री भागीरथ मंडल जी, युवा मोर्चा के राजू मंडल जी, ओबीसी मोर्चा के हमारे बलराम गोस्वामी जी समेत जद्दू जी के आज विद्यालय के प्रांगण में हम सबों ने सुना मन की बात, और साथ ही साथ यहाँ इन्हीं के विद्यालय से हम सबों ने वृक्ष लगाने का शुरुआत किया है, जो निरंतर 6 तारीख तक चलेगा। और सभी कार्यकर्ता और जनता से अपील भी करते हैं कि पर्यावरण की असंतुलन स्थिति को देखते हुए कम से कम एक वृक्ष अपने माँ के नाम पर जरूर लगाएं। यही आग्रह, यही विनती।